मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी शांति और दो बेटे केशव और किशोर थे। दोनों बेटे भी छोटे थे। उनको अच्छी फ्यूचर देने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मोहन ओवर टाइम भी करता था। एक दिन उसने ओवर टाइम किया और अधिक थके होने के कारण उसे झपकी आ गई। वो मशीन पर काम करते समय अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। तुरंत ही वहाँ सारे कर्मचारी जमा हो गए। मिल का मालिक घबरा गए। उसने सोचा कि उस पर केस हो जाएगा, इसलिए अपने वर्कर से कहा, वहाँ से मोहन को हटाकर रोड पर डलवा दो, जिससे पता चले कि एक्सीडेंट हुआ है, वरना हम फंस जाएंगे। शांति को खबर मिली कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है। शांति के सर पर पहाड़ ही टूट पड़ा। वो रो रो कर अपना सर पकड़ कर एक ही बात कह रही थी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फैक्ट्री मालिक ने केस में फंसने के डर से चालाकी से अपना पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन दरिया दिल दिखाने के लिए मैनेजर आया और शांति से बोला, वो अपने वर्कर का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनका मुसीबत में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मोहन का महीना खत्म हो चुका था। ये महीना अब शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम एक महीने के पगार आपको ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं। ऐसा एहसास जताकर मैनेजर लौट गया। अब शांति क्या करे, उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मिल मालिक के दिए हुए रुपयों से मोहन का क्रियाकर्म हो गया। अब फूटी कौड़ी तक नहीं रही। मोहन के अंतिम संस्कार में उसके दो चार दोस्त और एक दो पड़ोसी ही शामिल हुए थे। उसके बाद तो सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। किसी का भी पता नहीं चला। कोई पास ही नहीं भटक रहा था। शांति ने घर में रखे हुए राशन से दो तीन दिन का काम चलाया। उसके बाद तो उसके घर में कुछ नहीं रहा। बच्चों को भूख लगी थी। शांति की आंखों से आंसू निकलने लगे। मोहन जब जिंदा था, बच्चों के लिए सब कुछ लाया करता था, उन्हें खूब खिलाता था। मैं कहाँ से बच्चों को खिलाऊंगी, वो अपने मन में सोचा। आज खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरे पैरों की पायल है, इन्हीं को बेच दो तो। दो तीन दिन तक बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। ये बात उसे सही लगी। उसी दिन उसने अपने पायल बेच दी और उससे मिले पैसों से बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आई। तब कहीं जाकर घर में चूल्हा जला। शांति के पड़ोस में बिल्कुल अकेली एक गीता मौसी रहती थी। शांति अपने साथ साथ उनका खाना भी बना लिया करती थी और उन्हें अपना खाना अकेले बनाने नहीं देती थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के काम आते थे। कुछ दिन बाद गीता मौसी शांति के पास आई और बोली, बच्चे के फ्यूचर के लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा और बच्चों की देखभाल मैं कर दिया करूँगी। मैं इसलिए कहती हूँ
क्योंकि मुझे तुमसे बहुत लगाव है। यहाँ मौसी की बातें सुनकर आंखें भर आई और शांति बोली, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं, आप ही मेरी तरह हो, तभी आपको हमसे हमदर्दी है। बताओ अब मैं क्या करूं? बेटी ऐसा करो, बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम पकड़ लो, तो तुम्हें आराम से इतने रुपये मिल जाएंगे कि तुम्हारे और तुम्हारा बच्चों का पेट भर जाएगा। ये बात शांति को पसंद आई। मौसी के पास अपने बच्चों को छोड़कर शांति काम ढूंढने निकली। दो तीन घरों में काम मिल गया। अब जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पर आ गई थी। धीरे धीरे शांति के बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। मौसी ने बच्चों को स्कूल छोड़ाती थी और ले भी आती। एक बार शांति बीमार हो गई। कई दिनों तक वो काम पर जा नहीं पाई। उसके बाद वो एक डॉक्टर के यहाँ काम करने के लिए गई। ये सोच रही थी, क्या करूँ, आज तो पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। बच्चे दो तीन दिन से भूख के मारे रो रहे हैं और मौसी की तबीयत भी सही नहीं है, उन्हें भी खाना नहीं मिला, इससे वो भी लगभग बेहोश पड़ी है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन कुछ मन में सोच कर शांति ने फैसला किया। उसने ढेर सारा खाना बनाया और डॉक्टर को खाना परोसकर अपने घर के लिए उसने चुपके से ढेर सारा खाना पैक करके झूले में रख लिया। झूले को छुपाकर घर से बाहर निकल गई और अपने घर की ओर चल दी। लेकिन डॉक्टर ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा शांति एक झोपड़ी में घुस गई। खिड़की के पास खड़े होकर डॉक्टर साहब अंदर का नज़ारा देखने लगे। शांति ने झूला खोला तो डॉक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस झोले में से खाना निकला और वो गीता मौसी के पास गई, जो लगभग बेहोशी के हालत में पड़ी थी। उन्हें उसे उठाया और बोली, मौसी उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। खाने को देखकर मौसी उस पर झपट पड़ी और पूरी थाली को साफ कर दिया। शांति के बच्चे दूसरे थाली पर टूट पड़े थे। खाना खाकर अब उनकी जान में जान आई थी। इतना सारा खाना तुम्हें दिया किसने? मौसी पूछने पर शांति रोते हुए बोली, मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की है, इसका मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। डॉक्टर ने खिड़की से सारा नज़ारा देखा तो उनकी आँखों में आंसू भर आए। उन्होंने शांति के पास गए और बोला, हमने तुम्हें गलती से चोर समझ बैठे थे, मैं अकेला रहता हूँ, आज से हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे और ये बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है। शांति के लिए एक नई सवेरे का आगाज होने लगी थी और सब एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। राजू एक अमीर घराने का एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन राजू की माँ को एक होनहार बहू की तलाश थी, इसलिए रमेश एक गरीब किसान होने के बाद भी बेटे का शादी तय हो गया।
रमेश और कविता अपनी बेटी रोजी का शादी बड़े धूमधाम से राजू से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक राजू का बिजनेस डाउन होने लगा। उसे रुपया की सख्त जरूरत पड़ी। ओह, पैसों के लिए इधर उधर जाता है लेकिन निराश होकर वापस आता। तभी उसको एक ख्याल आता है कि क्यों ना ओह अपने ससुराल से पैसे उधार ले ले। ओह एक दिन अपने ससुराल मिलने जाता है। सास ससुर से 5 लाख रुपये मांगता है। सास सुनकर हैरान हो जाती है लेकिन रमेश 2 दिन के बाद देने बोलता है। राजू वहां से चला जाता है। 2 दिन में 5 लाख कहां से आएंगे, कविता पूछने पर रमेश कहता है, हमारी बेटी इतने अमीर घर में शादी की है, बिजनेस के घाटे की ओझा से उसे हमारे घर में बैठना ना पड़े। बेटी के घर को बसाने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारा घर के अलावा और कुछ भी नहीं। रमेश साहूकार को अपना घर बेच देता है और दामाद को 5 लाख रुपया दे देता है। राजू 5 लाख लेकर बिजनेस को फिर से खड़ा कर देता है। एक दिन राजू अपने ससुराल घूमने जाने रोजी से कहता, लेकिन रोजी ससुराल में ऐसे ऐश में रहने लगी थी कि ओह अपने गरीब घर को जाने मना करती है। उसी समय राजू को एक कॉल आता है। ओह रोजी से कहता है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। रोजी अपने घर राजू के साथ माँ को मिलने जाती है। ओहा पिता का क्रियाकर्म खत्म करके राजू के साथ वापस आ जाती है। रमेश के मौत के बाद कविता अंदर से टूट गई थी। ओह जैसे तैसे अकेली रहती थी कि एक दिन साहूकार पहुंचता है और घर खाली करने बोलता है। रमेश 6 महीने के अंदर 5 लाख देकर घर वापस ले लेगा ऐसा साहूकार को बोला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहूकार कविता को घर से बाहर निकाल देता है। अब कविता के पास अपना सर छुपाने छत नहीं रहा। ओह बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपने पेट के लिए इधर उधर भटकती फिरती है। लेकिन रोजी को गरीब माँ की बिल्कुल ख्याल नहीं आता। ओह दिन भर मस्त में रहती, खाती पीती सोती रहती। रब्बी 5 लाख वापस करने की सोचता है। एक दिन ओह 5 लाख लेकर ससुराल पहुंचता है लेकिन वहां सासू माँ को नहीं पाता। वहां पूछने पर लोग बताते हैं कि कविता को साहूकार घर से बाहर निकाल दिया है। राजू परेशान होकर कविता को इधर उधर ढूंढता है लेकिन निराश होकर वापस आ जाता है। रोजी को सारा घटना बोलता है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। माँ वहीं किसी घर में रहती होगी बोलती है। राजू को कविता का चिंता रहता है। ओह हमेशा इधर उधर ढूंढता रहता है। एक दिन ओह गाड़ी से जा रहा था तो उसका नजर मंदिर के सामने एक लंबी लाइन पर पड़ी। वहां कविता को देखता है। तुरंत ओ कविता के पास पहुंचता है और समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। कविता को फटे पुराने कपड़े में देखकर रोजी गुस्सा से माँ को चिल्लाकर कहती, माँ तुम्हें अपनी बेटी के ससुराल का लिहाज करके अपने हुलिया बदल कराना था। बेटी के बातों से माँ रोने लगती। इतने में राजू कहता है कि तुम कैसे बेटी हो जिन माँ बाप अपनी बेटी का घर बसाने 5 लाख रुपए में अपने घर बेच दिया, और तुम जो इतने ऐस में हो ये सब तुम्हारे माता पिता के ओंझा से हुआ है। तुम्हारे बाप ने मुझे मना किया था तुम्हें बताने, लेकिन तुम अपनी अमीरी के घमंड में अंधी हो गई हो। रोजी शर्मिंदा होती है और अपनी माँ का पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। कविता बेटी को अपने गले लगाकर माफ कर देती है और सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार